ने झांसी को बहुत बड़े इनाम से नवाजा है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके नाम पर आज से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जो पहले कभी राजीव गांधी हुआ करता था। हमारे साथ बैठे हुए हैं इसमें मेजर ध्यानचंद जी के बेटे अशोक जी, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, कितनी बड़ी उपलब्धि झांसी के लिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था। झांसी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत बहुत हमारे महान महान, मैं कहूँगी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके त्याग का कहीं कोई सानी नहीं, मैथिली शरण गुप्ता जी और हमारे वृंदालाल वर्मा जी साहब, और एक नाम और शामिल होता है खेलों की दुनिया में, मेजर ध्यानचंद। और वाकई में ध्यानचंद किया इस नगरी का सौभाग्य है कि हमारे खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रण के क्षेत्र में हमारे लोगों ने एक्सट्रीम हिस्से से काम किया और नाम कमाया। और खेलों के अंदर ध्यानचंद एक ऐसा, हॉकी का तो पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं और बन चुके थे कि अगर हॉकी का नाम ले तो हम ध्यानचंद का नाम आता ही है। उनके द्वारा किए गए वो कार्य जो उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए थे, बिना किसी, और टाइम था भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक खेल था, एक जुनून था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सुविधाएं हैं बिल्कुल माइनस नील, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन लेकर के आते थे गोल्ड, और वो गोल्ड जो आया है उसने इस भारत देश के अंदर खेलों के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ा, हमारे बच्चों के अंदर वो प्रेरणा के स्रोत बने, हमारे आने वाली जनरेशन्स ने उनसे प्रेरणा लेकर खेल के अंदर बहुत आगे तरक्की करी। कई नाम उसके अंदर शामिल हैं, केडी सिंह बाबू साहब का नाम मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने 52 के ओलंपिक के अंदर जो खेला है, वो भी ध्यानचंद जी के अनुयायी थे, उनके चाहने वाले थे। बलबीर सिंह साहब, ग्रेट बलबीर सिंह, जिनके तीन गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर रहे, जिन्होंने देश को 3 बार गोल्ड मेडल का से नवाजा, वो ये कहते थे अपने जीवन में कि मैं तो ध्यानचंद जैसा बनना चाहता था। तो ये प्रेरणा चीज़ होती है जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, तो हम जैसे यानी कितने खिलाड़ियों ने सोचा होगा कि हम ध्यानचंद बनकर आगे खेलें, तो ये चीज़ें ध्यानचंद के उस खेल से, जादुई खेल से, जिसके फलस्वरूप उनको जादूगर की